हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप coverfox.com में अपने बाइक का इंश्योरेंस या अपना हेल्थ इंश्योरेंस या टू व्हीलर या फोर व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ी सी बताऊँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अगर नए वीडियोज़ के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बताते हैं coverfox.com में आप अपने बाइक का या फोर व्हीलर का इंश्योरेंस कैसे करते हैं। पहले तो आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। हमारे पास यूसी ब्राउज़र है, इसलिए यूसी ब्राउज़र ओपन किया। अब आपको जाना पड़ेगा गूगल में। गूगल में जाइए, वहाँ पर गूगल में सर्चिंग पर लिखिए coverfox.com। सर coverfox लिखिए, उसके बाद coverfox का पेज खुल जाएगा। coverfox लिखने के बाद यहाँ पर coverfox का एक पेज खुल चुका है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ लिखा है coverfox मोटर इंश्योरेंस अप टू 70% इंस्टेंट पॉलिसी। और आपका जैसे मैंने बताया यहाँ पर टू व्हीलर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, 100% क्लेम सपोर्ट और जीरो डैप इंश्योरेंस कवर भी है। तो आपको जो इंश्योरेंस कराना है आप यहाँ से करा सकते हैं। हमारा टू व्हीलर का इंश्योरेंस कराना है, इसलिए हम टू व्हीलर इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं। टू व्हीलर इंश्योरेंस सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए हमारा बाइक का नंबर, तो हमने इंश्योरेंस कराया इसलिए हमारा बाइक का नंबर यहाँ पहले से दिया हुआ है। आप अपना बाइक का नंबर दे सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ के ऊपर आपको प्रीवियस पॉलिसी में एक कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको नॉट आपका क्या पहले का पॉलिसी एक्सपायर हो चुका है इसलिए आप coverfox में कर रहे हैं, या अभी भी पॉलिसी है फिर भी आप coverfox में कर रहे हैं, इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका अभी भी पॉलिसी है और अभी coverfox में फिर भी आप कर रहे हैं तो आपको एक्सपायर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर पॉलिसी ख़त्म हो चुका है तो आप नॉट एक्सपायर्ड को सिलेक्ट कीजिए और कीजिए व्यू क्वेस्ट। व्यू क्वेस्ट में जाकर आपको बाइक का मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें तो हम अपना बाइक का मॉडल सिलेक्ट कर रहे हैं। आपका जो भी मॉडल है आप यहाँ से मॉडल सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो भी है आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा मॉडल सिलेक्ट हो चुका है। अब ग्लैमर हमारा है हीरो होंडा ग्लैमर। तब वेरिएंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा सीसी का है और कितना डिस है या नहीं है, ये सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। भर्ती का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। हमारा तो डिस नहीं है, 120cc है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हेन वाज योर हीरो होंडा ग्लैमर रजिस्टर्ड, आपने कब इसे रजिस्टर करके ख़रीदा था। हमने 2016 में ख़रीदा था इसलिए 2016 ही कर रहे हैं। 2016 करके व्यू क्वेस्ट। अब देखिए पेज लोडिंग हो रहा है, एक और पेज खुल रहा है। अब आपको यहाँ पर जाना होगा और यहाँ जाकर आप कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक का इंश्योरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा। आपके बाइक के लिए या कार के लिए बहुत सारे बैंक के यहाँ इंश्योरेंस मिल जाएगा। जो इंश्योरेंस आपके बजट में आता है और आपको ठीक लगता है आप वही इंश्योरेंस सिलेक्ट कीजिए। यहाँ हर तरह के इंश्योरेंस मिलेगा, कम ज़्यादा सब इंश्योरेंस यहाँ पर मिलेगा। भैया आपका जो मर्जी इंश्योरेंस सिलेक्ट कीजिए, जो आपके बजट में आता है वही इंश्योरेंस सिलेक्ट कीजिए, या फिर आप जैसा चाहे इंश्योरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, हम एक इंश्योरेंस सिलेक्ट करके दिखा रहा है आपको। देखिए हमने एक इंश्योरेंस सिलेक्ट कर लिया। अब अपना एरिया का पिन कोड डालिए, एड्रेस डालिए, ये डाल दिया हमने अपना एरिया का पिन कोड। अब डालिए एड्रेस, देखिए हमने एड्रेस डाल दिया। अब स्टेट, आपको एक स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन से स्टेट में रहते हैं। यहाँ डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या कोई भी स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल, इसलिए हम वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सिटी, आप कौन सा सिटी, आपका नियर बाई सिटी है आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। नियर बाई सिटी को सिलेक्ट कीजिए। हमारा नियर बाई सिटी है कोलकाता, इसलिए हम कोलकाता को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए कोलकाता सिलेक्ट कर लिया। अब जा रहा है नेक्स्ट भर्ती डिटेल्स में। यहाँ पर आपको 3 स्टेप मिलेगा। ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, बाइक ओनर डिटेल्स और कम्युनिकेशन एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। अब भर्ती डिटेल्स, यहाँ पर जाइए, बाइक का नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन डेट डालिए, इंजन नंबर डालिए और चेसिस नंबर डालिए। हमारा चेसिस नंबर तो अभी याद नहीं इसलिए हम नहीं डाल पा रहे। तो यहाँ अपना इंजन नंबर और चेसिस नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट रिव्यू पे पर जाना होगा। वहाँ से आप अपना ईमेल आईडी और अपना बैंक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर डालकर इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं।
और अपना बाइक का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।